हाय दोस्तों, बॉम्बे मल्लू में आपका स्वागत है। बॉम्बे मल्लू लेके ए वरकुम स्वागतम। आज इस वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ। ये एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड है जो मेरे रिसेंटली रॉयल एनफील्ड के एक कॉर्नर में बैठा था। तो मैं जब इसे देखा, मैं इसके बारे में गूगल में सर्च किया, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि दोस्तों ये है इंडियन कैमेलियन या कैमेलियो ज़िलैनकस। कैमेलियो मीन्स जेनेटिक और ज़िलैनकस मीन्स स्पीशियस। दोस्तों नाम बहुत डिफिकल्ट है, बट ये जो स्पीशियस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने सोचा कि दोस्तों मैं तो इस बार इसको पहली बार देख रहा हूँ, और ये जो वीडियो देख रहे जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, कुछ लोगों को पता होगा, या जिसको पता नहीं है शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं जो स्पेशल गेस्ट को वीडियो में बुला देता हूँ। हियर कम्स आवर इंडियन कैमेलियन। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste. दोस्तों जो मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे मालूम पड़ा कि ये इंडिया का ओनली वन इन इंडियन कैमेलियन स्पीशीज है, जो उसका रंग बदलता है। और इसका कुछ खासियत है कि इसका आई, दोनों आंख है जो 360 डिग्री में दोनों आंख घूमता है। दोस्तों ये जो स्पीशीज है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट सेक्शन 1972 में आता है, तो हमें इसे रखना और इसको पालना और इसको हार्म करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप इसे अपने सोसाइटी में दिखता है या ऑन द वे किधर भी दिखता है, वो उसको अनसेफ लगता है, तो प्लीज़ उसको एक सेफली जगह पे रखिए, या फिर एक रेप्टाइल रेस्क्यूअर को बुलाइए, उसको हैंडओवर कीजिए, और इसको हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस चैनल से मुझे यही बोलना है कि मुझे दिख गया, तो मैं सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग इसे को जानता होगा और कुछ लोग जानता नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो शायद आपको हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दे देना दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमेशा। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें बिल्कुल जहर नहीं है। बट जब इसका कुछ मिथ है कि ये जहर इसका है, या ये फूकने से अपने रोशनी चला जाता है, पुराना ज़माने का एक मिथ है। बट दोस्तों ये बिल्कुल बाइट नहीं करता। ये अगर इसको गुस्सा आता है तो शायद वो रंग बदलता है, और जस्ट एक बार वो मुंह खोल देता है तो, और एक सांप जैसा आवाज़ आता है। अभी देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, लाइट ग्रीन हो रहा है अभी। तो अभी हमने इसको जहाँ पसंद है इसको वहाँ पर हमने छोड़ दिया है। तो अभी हमारा इंडियन कैमेलियन बहुत खुश हो चुका है, उसको अपने एरिया में या अच्छा हरियाली जगह में वो गया है। दोस्तों इनका खाना है इंसेक्ट्स। मैं जो नेट में सर्च किया तो इंसेक्ट्स खाता है, और इनका मूवमेंट भी बहुत सही है, एक बार आगे पीछे होके आगे बढ़ता है। तो हमारा इंडियन कैमेलियन अभी जा रहा है हरियाली की तरफ। इंडियन कैमेलियन देखिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बट एक छोटा सा एक आवाज़ निकालता है ताकि हम उससे हम डरे। तो दोस्तों अब इसको ज़्यादा हम तंग नहीं करेंगे, हम इसको सीधा इसके इलाके में छोड़ देंगे। ये रहता है मोस्टली हरियाली यहाँ पे है, तो हम इसको अभी झाड़ में छोड़ देंगे। सोच रहा हूँ कि ये झाड़ इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो एक गुल्लर का झाड़ है यहाँ का, तो इस गुल्लर झाड़ पे हम इसको छोड़ देंगे। देखिए ऐसा मुंह खोलता है, बट कभी बाइट नहीं करता है। तो वक्त है अभी इसको छोड़ देने का, जाओ। तो दोस्तों अभी उसका सही जगह पे वो जा रहा है। दोस्त अपना ख्याल रखो। देखिए
इंडियन कैमेलियन इस झाड़ में अभी खो जाएगा। उसका कलर भी चेंज हो चुका है, पहले बहुत डार्क ग्रीन था, अभी लाइट हो गया है। तो बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है हमें। तो बाय, अपना ख्याल रखो।